शुभोदय बच्चों, पिछले वर्ग में हम लोगों ने छोटा रोबोट हमारा दोस्त एक प्यारा सा कहानी देख रहे थे हम लोग, जिसमें मयंक और नेहा बगीचे में खेल रहे थे। उनको एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा रोबोट मिला, उसे लेकर वो घर लेके आए, उससे उसको माँ से मिलवाया और माँ भी बहुत खुश हुई। छोटा सा प्यारा सा रोबोट मिल गया उसे, आके वो उन्होंने अपना दोस्त बना लिया। वहीं आगे क्या होता है देखेंगे। रात होने पर बच्चों ने रोबोट को अपने पढ़ने के कमरे में चटाई बिछाकर सुला दिया। दिन भर उनके साथ खेलते थे, रात में क्या किया उनको अपने कमरे में, पढ़ाई के कमरे में, रीडिंग रूम में क्या किया उनको चटाई बिछाकर नीचे चटाई डाल के उनको उसके ऊपर सुला दिया। उन्होंने उसे एक छोटे से रजाई भी उड़ा दी, रजाई में ब्लैंकेट उसके ऊपर ब्लैंकेट भी मोड़ दिया। आधी रात के समय कई रोबोट उसे ढूंढते हुए वहाँ आए। मध्यरात्रि के लिए बेरे रोबोट हूँ अलग बंद। वे बहुत उदास थे, उदास है नहीं दुखी तरह के दुख। छोटा सा रोबोट अभी आपके घर में कोई है, आपके छोटा भाई या गुम हो गए तो कितना दुख होता है माँ बाप को, वैसा ही उन्हें भी दुख हुआ था। उन्होंने चारों ओर छोटे रोबोट को ढूंढा, नालक को खड़े और चिक रोबोट ने मुड़ता रहा, वह कहीं दिखाई नहीं दिया, अद येल्लो काणला। एक बड़े रोबोट ने जब पढ़ने के कमरे में खिड़की से झांक कर देखा, एक बड़ा रोबोट क्या किया इनके घर के खिड़की से देखा, झांक कर देखे वो, तो उन्हें उसकी छोटा रोबोट नजर आई और यह अचिक रोबोट खाने कांड थी। छोटे रोबोट को देखकर वो बहुत खुश हुआ, चिक्क रोबोट उन्होंने तुम्बा खुशियाँ हुई थी, सिकतला सिक्किरी तुम्हें संतोष आए थे, पर वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो उनके साथ नहीं ले जा सकता था, क्यों खिड़की बंद था तो बंद दरवाजे से कैसे निकालना है उसे। सुबह होने तक उसने वहीं प्रतीक्षा की, सभी ने क्या किया सुबह होने तक उधर ही इंतजार किया, प्रतीक्षा वेट किया, प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार करना, वेट करना। सुबह होने पर छोटा रोबोट मयंक और नेहा के साथ बाहर आया। सुबह हो गई, सुबह होने के बाद क्या हुआ, छोटा रोबोट मयंक और नेहा और फ्रेंड्स ना उनके साथ बाहर आया। तब बड़े रोबोट ने दौड़कर छोटे रोबोट को गले लगा दिया, क्या किया बड़े रोबोट था ना वो आके दौड़ के ओढ़ कर बंद होता ना तना आपको मृत खुशी इंदा। मयंक और नेहा दोनों उन्हें जाते हुए देख रहे थे। मयंक और नेहा ये मर्दी बुड़ो कर्पण होने लगा, रोबोट बड़ा रोबोट आके छोटा रोबोट को लेके गया ना, वो देखते हुए ऐसे ही देखते खड़े रहे थे। ये कहानी छोटा रोबोट से कैसे उनका फ्रेंडशिप होता है। बच्चों इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ो और इसका प्रश्न उत्तर वगैरह मैं कल दूंगी, ठीक है।